हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में वसूली कांड पर कैसे हलचल तेज है, बड़ी खबर पर डिटेल बताएं। उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें होली पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने पाबंदी के संकेत दिए हैं। राज्य सरकार चाहे तो भीड़ रोकने के लिए सख्ती कर सकती है। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में क्या है, बता रही है हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा। गौनिका जी बिल्कुल सर जी, क्योंकि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से कल ही दिल्ली में ये आदेश दे दिया गया था कि किसी भी तरीके के जो भी त्यौहार आ रहे हैं, चाहे वो होली हो, शबे बारात हो, बिहू हो, ये जो भी तमाम फेस्टिवल्स हैं, उन सबका सेलिब्रेशन पब्लिक प्लेसेस पर नहीं होगा, उस पर रोक लगा दी गई थी। और आज हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से तमाम जो स्टेट हैं उन्हें ये लेटर लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि तमाम जो फेस्टिवल्स आने वाले दिनों में आने वाले हैं, जिसमें होली, शबे बारात, बिहू, ईस्टर, ईद है, उन सभी में जो तमाम गैदरिंग्स होती हैं, उन सभी गैदरिंग्स को लिमिट कर दिया जाए और अगर जरूरत पड़े तो उन पर रोक भी लगाई जा सकती है। तो ये सारी गाइडलाइंस जो है वो फिलहाल तमाम लेटर्स के जरिए उन तमाम स्टेट्स को भेज दी गई हैं और आगे फैसला करना है स्टेट्स को कि आखिर इन तमाम गाइडलाइंस को किस तरीके से इम्पोज करना है, कितनी गैदरिंग्स को लिमिट करना है या फिर कहीं पर रोक लगानी है, ये सारी चीजें जो है वो स्टेट्स पर छोड़ दी गई है। लेकिन फिलहाल हेल्थ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी की तरफ से लेटर तमाम स्टेट्स को लिखा गया है और इसके साथ साथ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो भी नोटिस कल इशू किया गया था, उस नोटिस को भी तमाम स्टेट्स को भेज दिया गया है कि अगर इन्हीं उन्हीं एसओपीज के आधार पर तमाम आगे की स्टेट्स जो है वो फैसला लेना चाहती है तो वो फैसला भी ले सकती है। क्योंकि जिस तरह की से पिछली बार भी देखा गया था कि लॉकडाउन लगने से पहले ही होली का त्यौहार भी था, लेकिन उस दौरान भी तमाम जो गैदरिंग्स हैं उन्हें रद्द कर दिया गया था, कहीं पर भी होली मिलन समारोह नहीं हुए थे और वही चीजें अब इस बार भी देखने को मिलेंगी। दिल्ली में तो इस पर रोक लगी है लेकिन बाकी की स्टेट्स आगे क्या फैसला लेती है, तमाम क्योंकि त्यौहार आने वाले हैं और पब्लिक प्लेसेस पर लोग त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जगह जगह पर होली मिलन समारोह होते हैं, ऐसे में कोविड का स्प्रेड आगे ना हो पाए, क्योंकि अब जिस तरीके से कोविड के केसेस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं और तमाम कई ऐसे राज्य हैं जिसमें कोविड के केसेस में, यानी अब स्टेट्स इंडिपेंडेंट है, अपने लिहाज से हालात के मद्देनजर वो फैसला ले सकती है। इसलिए साफ ये संकेत स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी और ये चिट्ठी भी कि राज्य सरकार चाहे तो भीड़ रोकने के लिए सख्ती कर सकती है। शुक्रिया गौनिका पूरी जानकारी के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।